रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस वक्त मैं गहरी नींद में सो रहा था, मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई, तब मैंने देखा कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ यह क्या कर रही है, मैं आपके बच्चे जैसा हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि मामी किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालच में और भी ज्यादा पागल होने लगी। उनकी इन हरकतों को देखकर मैं सन रह गया। मामी की आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बात नहीं सुन रही थी। मामी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। मामी ने मेरे साथ जी किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम अनमोल है और मेरी उम्र 21 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू कर दिया था। मैं मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और मामा मामी रहते हैं। मेरी मामी का नाम अंजना है। मामी की उम्र अभी 29 साल है। मेरे मामा होटल चलाते हैं और मेरी मामी एक हाउसवाइफ है। दीपावली की छुट्टियां थी इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी की। सबके लिए खूब सारी शॉपिंग किया, खासकर अपनी मामी के लिए 4-5 पीस एक से बढ़कर एक साड़ी खरीदा। मम्मी के लिए साड़ियां और पापा के लिए अच्छे अच्छे पैंट और शर्ट शॉपिंग की। मैंने टिकट पहले से बुक कर रखी थी इसलिए दीपावली त्योहार से 5 दिन पहले घर के लिए निकल गया। मैं 2 साल बाद अपने घर जा रहा था क्योंकि जब से जॉब ज्वाइन किया तब से घर जाना नहीं हुआ था, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा, खासकर अपनी मामी के लिए। लगभग 27 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। रात के करीब 10 बज गए थे। घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। मैंने मम्मी को उठाया, उनसे थोड़ी बातचीत करके खाना खाकर सो गया। काफी रात हो चुकी थी इसलिए मामी को नहीं उठाया। सुबह 7 बजे मेरी मामी ने मुझे जगाना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा खुला था इसलिए मामी पास आकर मुझे जगाने लगी और मुझसे अपने गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था अभी आप जाओ, अभी मुझे सोने दो, लेकिन उन्हें अभी चाहिए था इसलिए मामी ने मेरे ऊपर से कंबल खींच ली। मैं हड़बड़ा कर उठा और मेरी हालत खराब हो गई। यूं कि मैं जिस हालत में सोया था मामी मुझे उसी हालत में देख ली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ मामी मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने उन्हें अच्छे से देखा, मानो मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 सालों में वह कितना बदल गई थी, बिल्कुल अलग लग रही थी। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी मामी को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान प्यारी सी परी मेरे सामने आई हो। तभी उनकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। अंजना, मामी ने कहा, क्या देख रहे हो इस तरह से जैसे मुझे पहले कभी देखा ही नहीं हो। मैंने कहा, हाँ सच में आप बहुत बदल गई हो, मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब मामी बोली, मुझे बाद में दिल भर कर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वह निकालो। मैंने कहा, मामी अभी दे रहा हूँ, और अलमारी से उनके कपड़े उन्हें दे दिया। वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। उनके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। तभी मामी आई और बोली, मुझे दीपावली पर घुमाने ले चलोगे ना। मैंने कहा, ठीक है मामी चलेंगे। फिर त्योहार में हम दोनों लोगों ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की। मामी ने कहा, चलो हिमाचल प्रदेश घूमने चलते हैं। मैंने कहा, आज तो वापस आना मुश्किल होगा। तभी मामी बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है, अगर जरूरत पड़े तो हम दोनों होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लीज मना मत करो। मैंने कहा, ठीक है अगर आपको जाना है तो चलो। मेरी मामी बहुत चालाक है, उन्होंने चालाकी मम्मी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम लोग हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। सफर करते करते शाम हो गई। वहां पहुंचकर हमने पहले रहने की व्यवस्था करनी थी।
क्योंकि वहाँ से एक ही दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। मैंने मामी ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल था। त्योहार की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने के लिए निकल पड़े। मामी ने ब्लू कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसे देखकर सभी उनकी ओर देख रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी दूसरे से कह रहा था, देख वह आशिक कितनी खूबसूरत औरत के साथ घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मामी ने मुझे रोक लिया। फिर हमने बहुत मजे किए और पूरे दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे पास के कमरे में एक भैया भाभी थे, जिन्होंने हमें घूमने के लिए बुलाया। मामी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं, यहाँ ज्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम हर्ष था और लड़की का नाम रानी था। तभी अचानक रानी बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी मामी ने कहा, आप दोनों का भी जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कितने महीने हो गए आपकी शादी को। तब हर्ष ने कहा, अभी 5 महीने हुए हैं। फिर हर्ष ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं। मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी मामी बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, मैं तो जैसे पहाड़ से गिर पड़ा। मेरी मामी यह क्या कह रही है। तब हर्ष ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। रानी ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। मामी ने कहा, लव मैरिज हुई है। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था, यह मामी क्या बोल रही है, या फिर रानी के साथ मजाक कर रही है। चलते चलते रात के 10 बज गए और हम सब फिर से अपने होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे, तभी रानी ने कहा, गुड नाइट, अपने हनीमून का आनंद लो, यह रात आप लोगों के एंजॉय फुल हो, मजा करो, हम तो आज पूरी रात मजे में रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही मामी से बोलने लगा, यह सब क्या बोल रही थी, आप मेरी मामी हो, यह सब कुछ भूल गई हो क्या। मामी बोली, मैं क्या करूं, उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा कुछ बातें कर अलग हो जाऊंगी, पर अब क्या किया जाए, यहाँ तो हम 2 दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब आप क्या कह रही हैं। तब मामी बोली, अरे अनमोल, मैं सच में तो तुम्हें अपना पति नहीं बना रही हूँ, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। फिर हम दोनों सो गए। जब आधी रात गुजरी तो गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी इन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी मामी मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ यह सब क्या कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप मेरी मामी हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वह किसी मकसद के साथ यह सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी मामी का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उनकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी मामी होने के बावजूद वह एक अजीब से सुख की उम्मीद में मुझे इतनी जोर से धक्का देकर गिरा दिया। वह एकदम पागल हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मामी के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट के अंदर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह खत्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ।
तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उनको अपना बना लेने की, जो मेरे पास थी। लेकिन वह मेरी मामी थी, यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास हीटर जल रहा हो और उनकी गर्माहट से मेरा पूरा शरीर जल रहा था। मेरा शरीर कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उसकी तलाश में अपनी मामी के साथ ताल से ताल मिलाने लगा। उन्हें तो लगा जैसे वह स्वर्ग में घूम रही हो, तब मुझे लगा कि जो होगा होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी मामी के आगे हार नहीं माननी थी। इस तरह से मामी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तब तक रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और अजीब बेचैनी थी। मैंने सोचा कि क्या मैंने कल एक सपना देखा था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और मामी का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था, क्योंकि वह बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मामी बहुत हो गया यह सब, जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा, हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब मामी थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर कहा, अनमोल मुझे पता है मैंने जो किया है वह सही नहीं था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, वह तो सिर्फ एक नाटक था। तब मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। उस रात हमने फैसला किया कि कल सुबह हम रानी और हर्ष को सच बता देंगे, भले ही वो कुछ भी सोचे, अब और झूठ नहीं चल सकता था। अगले दिन नाश्ता के वक्त हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वो हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। हर्ष ने धीरे से कहा, यार हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर यह तो मजाक निकला। तब मामी ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफी मांगी और वापस लौटते वक्त मामी और मैं दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और यह घटना हमें हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।